यहाँ जो है बोकारो स्टील प्लांट के तरफ से ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग का एडमिट कार्ड फाइल जो है जारी कर दिया गया है ना। तो आप जो है एडमिट कार्ड किस प्रकार से डाउनलोड करेंगे सारे मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इससे पहले जो इसी प्रकार का अपडेट चाहते हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में घंटे का आइकन को जरूर दबा दें ताकि जो है पल पल का अपडेट आपको सही टाइम पे मिलते रहे, है ना। तो आप देख सकते हैं मैं इसके सेल की ऑफिशियल साइट पे हूँ और जैसे आप यहाँ जो है स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, नीचे यहाँ न्यूज वाला मिल जाता है, न्यूज वाला सेशन में आप आके तो यहाँ जो है फर्स्ट में ही आपको मिल जाएगा। देख सकते हैं बोकारो स्टील प्लांट एडमिट कार्ड फॉर द पोस्ट ऑफ ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग, है ना। आपको यहाँ जो है एडवर्टाइजमेंट नंबर भी मिल जाएगा। तो इस वाले सेक्शन पे जो है आप सिंपली यहाँ क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद जो है कुछ इस प्रकार से खुल के आ जाएगा। और यहाँ आप देख सकते हैं कि जो आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं वह 2/8/2021 तक जो है डाउनलोड कर पाएंगे। और यहाँ आप अगर आप हिंदी में डाउनलोड करना है एडमिट कार्ड तो हिंदी में क्लिक कर देंगे और अगर इंग्लिश में डाउनलोड करना है तो इंग्लिश में कर देंगे। उसके बाद आप सिंपली यहाँ जो है रजिस्ट्रेशन आईडी अपना डालेंगे, आपका जो भी रजिस्ट्रेशन आईडी है वो देने के बाद जो है उसके बाद आप जो है डेट ऑफ बर्थ दे देंगे। डेट ऑफ बर्थ आपको याद रहे कि इस फॉर्मेट में आपको देना है, यहाँ जो दिया गया है इसी फॉर्मेट में देना है। सबसे पहले डेट देना है, उसके बाद मंथ देना, उसके बाद फिर आपको ईयर देना, और ये चिन्ह का प्रयोग जरूर करना है ना। कोई ऑब्लिक देता है तो ऑब्लिक आपको नहीं देना है। तो इसी प्रकार से देने के बाद जो आप यहाँ कैप्चा फिल करेंगे, कैप्चा देने के बाद जो आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपका एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड हो जाएगा। और जिस किसी को परेशानी हो रही है या कोई दिक्कत हो रही है एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में तो वो कमेंट में बताएंगे, है ना। तो कमेंट में बताने के बाद जो है मैं अगर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होगा तो उसके लिए एक वीडियो बना दूंगा और किस प्रकार से आप डाउनलोड कर पाएंगे इसके लिए भी मैं जो है क्लियर से डिटेल जो है आप लोगों को बता दूंगा। तो चलिए इस वीडियो में बस यही अपडेट देना था।